यमुनानगर जिला के विभिन्न इलाकों से पकड़े गए माइनिंग में शामिल एवं ओवरलोडेड वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया यमुनानगर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला में ऐसे 250 से अधिक वाहन हैं जो एक महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी वाहन मालिकों ने उसे जुर्माने देकर छुड़वाया नहीं है। अब इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। 253 व्हीकल्स को रिलीज किया जा चुका है, जिसके अगेंस्ट 7,60,00,000 की पेनल्टी अमाउंट भी जमा हो गया है। तो माननीय NGT के आदेशानुसार जो व्हीकल्स अभी तक जिन्होंने नहीं छुड़वाए हैं उनको ऑक्शन की प्रोसेस हमने शुरू कर दी है। उनको नोटिसेज ऑलरेडी दिए जा चुके थे और उनकी प्राइस की असेसमेंट के लिए व्हीकल्स के लिए कमेटी बनाई गई है। SDM बिलासपुर की अध्यक्षता में उनकी एक मीटिंग तो हो गई है, उसकी रिजर्व प्राइस फिक्स होने के बाद इन व्हीकल्स की ऑक्शन कर देंगे। उसमें सर ये जो अवैध माइनिंग में जुड़े मतलब वाहन हैं या लोग हैं या जो ठेकेदार है उसमें कुछ पेनल्टी भी लगाती है, कितनी पेनल्टी लग चुकी जी टोटल इन व्हीकल्स पे? जैसे मैंने बताया 253 व्हीकल्स पे 7,60,00,000 पेनल्टी लगाई जा चुकी है जो माइनिंग डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ज्वाइंट कार्रवाई है। तो अब कितने वाहन बचे सर? अभी हमारे लगभग 250 से ऊपर और हैं वाहन बचे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, व्हीकल्स पकड़े जाते रहते हैं और उनको बंद भी कर देते हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहें यस टीवी।